Hello students and my dear friends today is 17th of February 2023 Friday बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन इफ यू वांट दिस लेक्चर पी डी एफ यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल और इसी टेलीग्राम चैनल पर बहुत और सारे अपडेट्स भी होते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक और बिजनेस न्यूज़ से रिलेटेड इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पर आप लाइक माइंडेड पीपल से कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके अलावा आप मुझे ट्विटर रिसर्च गेट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो को वन पॉइंट टू फाइव एक्स की स्पीड से सुनना बेहतर होगा थर्ट ऑफ द डे इज़ पीपल डू नॉट डिसाइड टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डनरी दे डिसाइड टू अकाम्पलिश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज हेडलाइंस है बिजनेस ने अप्रॉक्सिमेटली फ्री वर्जन में पंद्रह इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस पब्लिश करी है और आज के डिस्कशन में हम तेरह न्यूज आर्टिकल कवर करेंगे पांच जो है वो मिंट के हैं रिमेनिंग बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर दो पर दिया हुआ है गवर्नमेंट सेल्स रुपीज नाइन हंड्रेड करोड़ ऑफ वीट टू काउंटर फूड प्राइस स्पाइड तो वेटनेसडे को यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली तीन लाख पचासी हजार टन का वीट जो है वो ऑफलोड किया जिसकी जो वैल्यू थी अप्रॉक्सीमेटली नौ सौ एक करोड़ रुपए थी तो अप्रॉक्सीमेटली नाइन हंड्रेड करोड़ रुपए का जो वीट है गवर्नमेंट ने वो ओपन मार्केट में सेल किया और इसका सीधा जो रीजन था दैट इज टू काउंटर द फूड इन्फ्लेशन ऑफ फूड प्राइस स्पाइक अभी रिसेंटली लास्ट टू डेज़ के एनालिसिस में हमने कवर भी किया है कि जो सी है वो सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट तक पहुंच गया आर की अपर टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा हो चुका है और इसका इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो है फूड इन्फ्लेशन फूड ऑफ फ्यूल में जिस तरीके स्पेशली फूड में जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है जिस तरह से फ़ूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमें सी पी पर क्लियरली विजिबल हो रहा है सी अपने फाइव से इंक्रीज़ होकर के सिक्स पर पहुँच गई है इन द मंथ ऑफ जनवरी तो एक महीने के डिफरेंस में हमें इतना इंक्रीज सी पी पर देखने को मिल रहा है रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग फूड प्राइसेस और उसी फूड प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट में ई e ऑक्शन के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली नौ हज़ार करोड़ के वर्थ का गेहूं जो यानी तीन लाख पचासी हजार टन का गेहूं जो है वो सेल किया है ई e ऑक्शन के थ्रू और ये मानना है कि दिस ई ऑक्शन और ओपन सेलिंग इन ओपन मार्केट मे रिड्यूस द प्राइस ऑफ व्हीट एंड आटा इन द कंट्री और बेसिकली गवर्नमेंट ने ये जो ऑप्शन है ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू किया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़ ऑफरिंग द वीट थ्रू ई ऑप्शन और गवर्नमेंट का यह कहना है कि अभी फिलहाल के लिए जो ये ई ऑप्शन है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा हर वेडनेसडे गवर्नमेंट ई ऑप्शन करेगी सेकेंड वीक ऑफ मार्च तक मार्च के सेकेंड वीक तक ये ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा और सीधा रीज़न गवर्नमेंट का यही है ये कि एनफ सप्लाई इंश्योर करी जाए वीट की मार्केट में जिसकी वजह से जो कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ रहे हैं वीट के और आटा के वो कम हो और इसीलिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने वीट और आटा के एक्सपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो गवर्नमेंट का जो सेकेंड राउंड का प्लान ऑप्शन है उसमें अप्रॉक्सीमेटली थ्री मिलियन टन का जो प्लान है वो गवर्नमेंट थ्री मिलियन टन का जो गेहूँ है वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है ऑफलोड करने के लिए फ्रॉम द सेंट्रल पूल जस्ट टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस ऑफ की फूड ग्रेन और हम सभी जानते हैं जो वीट है वो इंडिया का स्टेपल डाइट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है तो गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली नौ हज़ार करोड़ का वीट जो है वो मार्केट में सेल किया है अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर टू ऑफ मिन पेपर इंडिया मर्केंटाइज एक्सपोर्ट गेन इन वैल्यू फ्रॉम ग्लोबल प्राइस अभी रिसेंटली लास्ट टू डेज में हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो भी डिक्लाइन हुआ है और इम्पोर्ट जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है जिसकी वजह से जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो थोड़ा सा नैरो डाउन हुआ है हालांकि एक्सपोर्ट में ज्यादा तो डिक्लाइन विजिबल हो रहा है इंपोर्ट में उतना कम या इम्पोर्ट में उतना डिक्लाइन जो है वो विजिबल नहीं हो रहा लेकिन अगर जो रिसेंटली पब्लिश डेटा है अगर हम उसकी एनालिसिस करें जो कि न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू और वॉल्यूम के टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर जो हम कंटिन्यूअसली डिस्कशन कर रहे थे वो वॉल्यूम का कर रहे थे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो वॉल्यूम के टर्म में डिक्लाइन हुआ है लेकिन अगर डेटा की प्रॉपर एनालिसिस करी जाए तो उससे ये निकल कर आता है कि जो इंडिया का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है मर्केंटाइज मीन जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो दस तक इंक्रीज हुआ है दस से ग्रो किया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू दिसंबर यानी जो लास्ट टेन मंथ का डेटा अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है बोल सकते तीन क्वार्टर का डेटा पब्लिश हुआ है जहां पर ये बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है लेकिन अगर वैल्यू के टर्म में देखें तो उसमें हमें टेन परसेंट का ग्रोथ देखने को मिल रहा है इट मीन्स इंडिया ने कम गुड जो है वो शिप किए हैं इन एक्सचेंज ऑफ मोर मनी यानी गुड्स तो कम इंडिया ने सेंड किए हैं लेकिन पैसा जो उससे आया जो वैल्यूएशन उससे जनरेट हुआ है वो ज़्यादा हुआ है तो वैल्यू के टर्म में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ग्रो कर रहा है डेटा शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ आउटबाउंड शिपमेंट फेल कि जो आउटबाउंड शिपमेंट है एक्सपोर्ट का वॉल्यूम तो जो है वो कम हुआ है लेकिन बिकॉज ऑफ इंक्रीज कमोडिटी प्राइसेस एंड स्लो डाउन इन डिमांड इन की वेस्टर्न मार्केट वॉल्यूम आउटबाउंड वॉल्यूम शिपमेंट या हम बोल सकते हैं आउटबाउंड शिपमेंट जो है वो रिड्यूज हुआ है बट वैल्युएशन के टर्म्स में वैल्यू के टर्म्स में मनी के टर्म्स में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ग्रो कर रहा है अगर की सेगमेंट की बात करें जहाँ पर इंडिया का एक्सेल है एक्सपोर्ट में तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर्टिकल्स ऑफ आयर्नस एंड स्टील टॉय बेवरेजेस कॉटन इलेक्ट्रिक मशीनरी इन सारे सेगमेंट में वॉल्यूम के टर्म में तो डेकलाइन दिख रहा है बट दे ग्रो इन डबल डिजिट इन डॉलर टर्म्स ड्यूरिंग दिस नाइन मंथ तो अगर इनका वैल्यूएशन देखें वैल्यू मनी वैल्यू के टर्म में देखें तो इनमें भी डबल डिजिट का ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कम गुड्स बेचे हैं अमाउंट में लेकिन पैसा हमने ज्यादा रिसीव किया है और इवेंचुअली हमें मतलब किससे होता है मनी से मनी द अमाउंट वी आर रिसीविंग इसी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो नैरो डाउन होता हुआ दिख रहा है जैसे कि अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसमें उसके में वॉल्यूम में चार परसेंट का डिक्लाइन हुआ मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हमने वॉल्यूम के टर्म्स में अमाउंट के टर्म्स में चार परसेंट कम एक्सपोर्ट किया है लेकिन अगर वैल्यू की बात करें मनी हमने कितना रिसीव किया है तो उसमें हमारा साठ परसेंट का पैसा हमने ज़्यादा रिसीव किया यानी अगर हम सौ रुपए का पहले पिछले साल हमने अगर एक्सपोर्ट किया था या सौ रुपए का हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचा था तो इस बार हमने 96 बेचा है लेकिन जो हमने पैसा रिसीव किया है वो 160 किया है यानी 60 परसेंट ज़्यादा तो कम अमाउंट में ज़्यादा मनी रिसीव हुआ है इन एक्सपोर्ट लेकिन ये तो बात रही एक्सपोर्ट की अगर हम इम्पोर्ट को देखें तो क्रूड ऑयल का जो शिपमेंट जो सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्ट का पार्ट है क्रूड ऑयल जो सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं वो वैल्यू के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म्स में उनमें दोनों में ही हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो बावन परसेंट तक इंक्रीज़ हुआ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और वॉल्यूम के टर्म्स में इलेवन पॉइंट टू परसेंट का इंक्रीज़ केवल देखने को मिला है तो यही सेम ट्रेंड हमें इंपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है रीज़न बिहाइंड जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए थे जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा था फॉर लेस ऑयल हालाँकि ये सिर्फ क्रूड ऑयल के ही केस में है और इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट कमोडिटी है इम्पोर्ट की वो क्रूड ऑयल ही है इसलिए क्रूड ऑयल में प्राइस बढ़ा इसकी वजह से हमें कम क्रूड ऑयल ज्यादा पैसे में मिला तो ये सेम ट्रेंड हमें इम्पोर्ट केस के में भी मिलना है एक्सीडेंटली पेट्रोलियम प्रोडक्ट अकाउंटेड फॉर ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इन वैल्यू टर्म्स इन दीज नाइन थ्री अगेंस्ट द फिफ्टीन परसेंट इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है जो इंडिया का इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसमें उस ट्वेंटी थ्री परसेंट का उसका शेयर रहा टोटल एक्सपोर्ट में जो कि पिछले साल केवल और केवल पंद्रह परसेंट का था तो कहीं ना कहीं ये, ये भी पॉइंट कर रहा है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनका भी जो शेयर है इंडिया के एक्सपोर्ट में बढ़ रहा है इन दोनों चीज़ों में आप डिफरेंस स्टूडेंट ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम जो है वो इम्पोर्ट करता है So lower volume.

से हैं। आप देख लेते हैं को को लेकर लेकर के के जिस तरीके से मार्केटिंग चलती है, बेसिकली, डोनेशन को के, उसको जो जो है वो स्ट्रीम बाइंड करना चाह रही है गवर्नमेंट उसमें जो माल प्रैक्टिस चल रही हो, उनको कंट्रोल करना चाह रही है इसीलिए एक यूनिफॉर्म डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रही है और इस यूनिफॉर्म ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी का सीधा पर्पज़ गवर्नमेंट का यह कि एक पेशेंट फ्रेंडली ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि जो ट्रांसप्लांट की जो प्रॉब्लम है जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो पाए स्पीड अप हो पाए और जितने भी टेक्निकल हर्डल्स हैं फॉर पेशेंट स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनको किसी भी ऑर्गन की जरूरत होती है ऑर्गन की उनको स्टेट्स टू स्टेट जो टेक्निकल हर्डल्स आते हैं मूवमेंट में वो ना आते एक स्टेट का जो सिटीजन है या हम बोल सकते हैं एक स्टेट का जो इंडिविजुअल अगर दूसरे स्टेट में ऑर्गन प्लांटेशन के लिए ट्रांसप्लांट के लिए जाता है जो जो टेक्निकलिटीज़ आती हैं आइडेंटिटी को लेकर के सर्टिफिकेट्स को लेकर के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के वो ना आए इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो एक यूनिफॉर्म डोमेस्टिक ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रही है और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो स्कूल चिल्ड्रेन हैं उनके करिकुलम में एक स्पेशल चैप्टर भी इंट्रोड्यूस करने की बात कही है ऑन ऑर्गन डोनेशन क्योंकि ऑर्गन डोनेशन को लेकर के इंडिया में बहुत सारे इशूज़ हैं एक तो पहली बात पीपल आर नॉट अवेयर एजुकेशन नहीं है ऑर्गन डोनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा मिसप्रवलेंट है दूसरा ये है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ रहती हैं अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गन डोनेट करना भी चाहता है तो उस देआर सो मैनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और टेक्निकल हर्डल्स या लीगल हर्डल्स जिसकी वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती अपार्ट फ्रॉम इट बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिस और ब्लैक मार्केटिंग भी चलती है ऑर्गन डोनेशन के केस में कई सारे स्कैम भी होते हैं डॉक्टर से कई सारे स्कैम पकड़े भी जाते हैं एक्सप्लॉटेशन भी पेशेंट्स का होता है ये बहुत सारे इशूज़ हैं इसमें तो इन्हीं सारे इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ला रही है और इसके तहत जो एक चैप्टर भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज अ स्पेशल करिकुलम इन द स्कूल चिल्ड्रन चिल्ड्रेंस बुक और इस नई पॉलिसी के तहत जो नया प्रोविजन आ रहा है उसके तहत कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पेशेंट या कोई भी रेसिपियंट किसी भी ऑर्गेन के लिए रजिस्टर कर सकता है इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में किसी भी स्टेट में किसी भी यूटी में वो अपना ट्रांसप्लांट करवा सकता है हालांकि अभी इस चीज़ को लेकर के बहुत रिस्ट्रिक्शन है स्टेट वाइज बहुत रिस्ट्रिक्शन है कई सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं लीगल हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसको स्मूदन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल की जो डोमिसाइल पॉलिसी है उसको स्क्रैप करके ये वन नेशन वन पॉलिसी लाने का प्लान कर रही है सो लेटर सी कि कब ये पॉलिसी आती है और कब तक ये इम्प्लीमेंट होती है आप देख लेते हैं मिंट के कुछ शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल एमएससीआई पुट होल्ड ऑन अडानी फॉर्म्स रिव्यू तो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक थे तो जो कंटिन्यूसली लॉस देख रहे हैं तो इंडेक्स प्रोवाइडर जो एम एस सी आई हम डिस्कस कर चुके हैं वॉट इज एमएससीआई आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि बेसिकली एम एस सी आई क्या होता है इसका फुल फॉर्म क्या है तो एम एस सी आई ने जब फ्री फ्लोट रिव्यू रखा था फिलहाल के लिए उसको डिले कर दिया है और कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रोविजन एम ने दिए हैं और इसका रीजन जो है द रीजन फॉर पोस्ट एंड स्पेशल ट्रीटमेंट अंटिल मे इंडेक्स रिव्यू वर अंट्रीब्यूटेड टू पोटेंशियली रेप्लीकेबल इशूज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लिमिट मैकेनिज्म एंड ऑन गोइंग अनसर्टनिटीज रिलेटेड टू इनपुट डेटा फॉर इंडेक्स कंस्ट्रक्शन फॉर द ग्रुप स्टॉक तो बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर के या कुछ और प्रोसेस को लेकर के एम ने एज ऑफ नाउ जो अडानी ग्रुप का जो रिव्यू था उसको फिलहाल के लिए होल पर रख दिया एंड अडानी ग्रुप एंड विल ग्रांड द स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एट अडानी स्टॉक्स अब देख लेते हैं नेक्स्ट टी और टी डी एस टू फॉर्मलाइज इकोनॉमी तो बेसिकली ये ओपिनियन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का फाइनेंस मिनिस्टर ने थर्सडे को डिफेंड किया ता, था टैक्स कलेक्टेड और डिटेक्टेड एट सोर्स एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन जो टीसीएस और जो टीडीएस जिसको हम बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड और डिटेक्टेड एट सोर्स कलेक्टेड सी डिटेक्टेड डी एट सोर्स ट्रांजेक्शन उसको लेकर के जो रीसेंट गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं जो रीसेंट मॉडिफिकेशन किए हैं उसको लेकर के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी उन्होंने हैदराबाद के एक इवेंट ने बोला था कि जो ये बेसिकली टी और टी में जो ये एडजस्टमेंट किए गए हैं, हैं टैक्स लेवलिटीज ऑफ पार्टीज़ एंड दीज प्रोविजन आर एम्ड फॉर फॉर्मोलाइजिंग द इकॉमी ये बेसिकली इकॉनॉमी को फार्मोलाइज करने के लिए बेसिकली इस पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था जब उनसे पूछा गया था कि जो माइक्रो एंट्रप्राइजेस हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन रिलीफ दिया जाए इन द एरिया ऑफ डट तो उसी के रिस्पॉन्स में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला था कि फिलहाल जो भी मॉडिफिकेशन जो भी किया गया है टी सी एस और टी डी एस में इट इज जस्ट फॉर फॉर्मोलाइजिंग द इकोमी जो ग्रे इकॉनमी ब्लैक इकॉमी है उसको या बोल सकते अनऑर्गेनाइज इकॉनमी है उसको थोड़ा सा स्ट्रीम लाइन लाने के लिए

क्योंकि टी और टी का जो स्कोप है गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर बजट सेशन में एक्सटेंड किया है तो कई सारी एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहले कवर नहीं होती थी अब वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आने लगे वो टैक्स लाए बोल तो उसी को लेकर के जो इंडस्ट्री सेगमेंट है वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है कि फॉर एम एस एम ई एटलीस्ट दे शुड गवि देशन बट गवर्नमेंट का बोलना है कि दिस इज ओनली फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी जो इंडस्ट्री के सजेशनस हैं रिव्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट प्रॉब्लली बाद में इंप्लीमेंट कर सकती है बाद में उन पर डिस्कशन कर सकती है अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल लो डिमांड फॉर गुड्स फ्रॉम चाइना अदर श्रिंक इम्पोर्ट जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर चार पर दिया हो तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रेड डेटा पब्लिश हुआ है उसकी एनालिसिस करी है बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये कोई न्यूज़ नहीं दिस इज द एनालिसिस डन बाय बिजनेस स्टैंडर्ड ऑन द ट्रेड डेटा रिसेंटली पब्लिश यहाँ पर ये यह डिस्कस किया गया कि किन किन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसा कैसा रहा है तो डेटा के अकॉर्डिंग देर इज़ अ डेक्लाइन इन डिमांड फ्रॉम सिक्स ऑफ इंडियाज टॉप इम्पोर्ट पार्टनर्स तो इंडिया के जो टॉप टेन इम्पोर्ट पार्टनर्स हैं उनमें से छः में के केस में इम्पोर्ट में डिक्लाइन देखा गया क्यों रीजन क्या क्यों डेक्लाइन देखा गया कि डिमांड नहीं है डिमांड नहीं है।, है तो इंडिया के जो इम्पोर्ट पार्टनर्स हैं उनके इम्पोर्ट में भी डिक्लाइन तो so, कौन कौन से इंडिया के टॉप टेन इम्पोर्ट पार्टनर्स हैं चाइना सऊदी अरेबिया इराक साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर रशिया यूनाइटेड अरब एंड इंडोनेशिया तो ये बेसिकली ये इंडिया के टॉप टेन जो हैं वो इम्पोर्ट पार्टनर्स हैं इनमें से छः इन के केस में हमें डेक्लाइन देखने को मिला है इम्पोर्ट डेक्लाइन देखने को मिला है स्टूडेंट माइंडेड हेयर वी आर टॉक नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करिए मतलब इंडिया जो इनसे इम्पोर्ट करता है तो चाइना सऊदी अरेबिया इराक साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो डेक्लाइन हुआ है और अपने सत्रह महीनों के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया अप्रॉक्सीमेटली डॉलर फिफ्टी पॉइंट सिक्स बिलियन का इंपोर्ट हुआ है इन द मंथ ऑफ जनवरी जो जनवरी के मंथ में जो इंपोर्ट हुआ है वो पिछले सत्रह महीनों का लोवेस्ट पॉइंट है एज पर द रिसेंट डेटा कंपाइल्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और अगर कंट्री वाइज देखें तो साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से अप्रॉक्सीमेटली 14.1 परसेंट का डेकलाइन देखने को मिल रहा है 26.7% परसेंट का डेक्लाइन और 9.8% परसेंट का डेक्लाइन रिस्पेक्टिवली देखने को मिल रहा है साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से जो इम्पोर्ट आता है उस और अगर इंक्रीज की बात करें तो यूनाइटेड अरब यूएई, यूएसए, युए, रशिया और इंडोनेशिया इनसे हमें इम्पोर्ट में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है रीज़न बिहाइंड हम सभी जानते हैं रशिया डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट जो है वो 300 परसेंट से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है यूएसए से भी इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है फोर्टीन परसेंट शेयर यूएसए का इंक्रीज़ हुआ है इंडिया के क्रूड ऑयल इम्पोर्ट के शेयर में

तीन तक का इंक्रीज़ है इंडोनेशिया अप्रॉक्सीमेटली तेईस का इंक्रीज़ है और अगर हम इन 10 कंट्रीज का कंपाइलेशन देखें तो ये 10 कंट्री जो हैं कलेक्टिवली इंडिया का 60 परसेंट इम्पोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यानी जो हमारा इम्पोर्ट है उसका 60 परसेंट जो है वो केवल और केवल इन 10 देशों से आता है जिसमें से छः में डिकेक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है तो दिस इज़ द जैन ट्रेड बुक टॉप टेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स ऑफ इंडिया टॉप टेन इम्पोर्ट पार्टनर्स ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट पार्टनर्स यूएस यूए नीदरलैंड चाइना सिंगापुर बांग्लादेश यूके सा सिंगापुर साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया और अगर हम देखें तो दिस इज चेंज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट और दिस इज चेंज इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट परसेंटेज इन ईयर बेसिस पर चेंज देखने को मिल रहा है तो एक्सपोर्ट जो है यूएस से हमारा डिक्लाइन हुआ है इंपोर्ट जो है वो चाइना से हमारा टॉप इसमें डिक्लाइन हुआ है हालांकि यूएस हमेशा इंडिया पे एलिगेशन लगा था कि इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया और यूएस के जो ट्रेड है उसमें उसी को लेकर के इंडिया जो है फिलहाल यू से ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से जो यू हमारा यू एस हमारा जो एक्सपोर्ट था उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है लेकिन अगर हम यू अपना इम्पोर्ट देखें तो इम्पोर्ट हमने ज़्यादा किया सत्ताइस परसेंट ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और बारह परसेंट कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेसिकली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन ये थोड़े से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट बहुत ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं दिस इज द टोटल जैन एक्सपोर्ट अप्रोसीमेटली इतना हमने एक्सपोर्ट किया सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट का इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है इम्पोर्ट जो हमारा माइनस थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट डिक्लाइन किया है तो हम देख सकते जनवरी के मंथ में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता दिख रहा है इंपोर्ट जो है वो घटता हुआ दिख रहा है और अगर उसके रीजन की बात करें तो रीजन ये है कि क्रूड क्रूड ऑयल ऑयल जो जो है है वो हम और गोल्ड के ट्रेडिंग पैटर्न उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है क्रूड ऑयल जो है वो हम रशिया से डिस्काउंटेड खरीद रहे हैं तो रशिया से हमारा इंक्रीज बढ़ रहा है हालांकि हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है इन कंपेरिजन टू द अदर कंट्रीज तो कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट श्रिंक होता हुआ दिख रहा है इसके अलावा जो इंपोर्ट श्रिंक होने का सबसे इंपोर्टेंट और दूसरा रीजन ये है कि जो हमारा गोल्ड है गोल्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंपोर्ट कमोडिटी इन केस ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल गोल्ड फर्स्ट और सेकंड कमोडिटी है जो कि हमारा लार्ज शेयर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन केस ऑफ इंपोर्ट तो गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो भी अपने बत्तीस महीनों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है जो इंडिया का जनवरी मंथ का गोल्ड इंपोर्ट अगर हम देखें तो उसमें पचह परसेंट का इंक्रीज़ देखने को मिल डिक्रीज़ देखने को मिलना है माइनस यानी छिहत्तर परसेंट हमने कम गोल्ड इंपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और ये पिछले बत्तीस महीनों का लोएस्ट गोल्ड इंपोर्ट है इंडिया के, के केस में अब इसका रीज़न क्या है वाई इंडिया इज नॉट परचेजिंग द गोल्ड रीज़न ये है कि जिस तरीके से गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने फिलहाल के लिए अपना जो गोल्ड बाइंग और जो गोल्ड ऑर्डर है गोल्ड परचेजेस हैं उसको पोस्टपोन कर दिया और इसीलिए जनवरी के मंथ में हमें यह छिहत्तर परसेंट का डेक्लाइन देखने को मिला है गोल्ड के इम्पोर्ट केस में और इसी वजह से ही जो हमारा जो इम्पोर्ट डेटा है ये डेक्लाइन हो रहा है अब देख लेते हैं नेक्स्ट uh, क्लिप जो कि ट्रेड से ही रिलेटेड है एज सर्विसेज कैचअ विद द गुड्स इंडिया नीट बैलेंस अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो फाइनली जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है उसको कैच कर रहा है हमें रिसेंट अगर आप ट्रेड डेटा को देखें तो सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है जनवरी दिस ईयर द टू वर ऑलमोस्ट इक्वल मोस्ट ऑफ द टाइम था कि मर्केंटाइज एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होता था बट फाइनली सर्विस सेक्टर ने मार्केट डाइसो को कैचअप कर लिया है और जनवरी के मंथ में अगर हम देखें तो दोनों में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हमें एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है तो दोनों ने अप्रॉक्सीमेटली डॉलर थर्टी टू बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इन द मंथ ऑफ जनवरी और अगर यही ट्रेंड प्रोसेस रहा सो दिस मे गिव सम टू द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर मिस्टर रघुराम राजन क्योरी जहाँ पर उन्होंने बोला था कि इंडिया का जो एक्सेल है वो सर्विस सेक्टर में दैन इंडिया शुड फोकस ऑन सर्विसेज एक्सपोर्ट शुड नॉट मिमिक द चाइना चाइना का जो एक्सेल है वो मर्केंटाइज में और हमने न्यूज़ को कवर भी किया था अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को तो आपको पता होगा हमने ये न्यूज़ कवर भी करी थी जहाँ पर हमने बताया था कि चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है वो डिफरेंट है इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है डिफरेंट है चाइना का एरा डिफरेंट था इंडिया का एरा डिफरेंट है उस समय जो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा थी इस समय सर्विसेज की डिमांड ज्यादा था तो और इंडिया का जो एक्सेल है वो सर्विस केस, केस में है तो रघुराम राजन रजन का भी यही कह रहा था इंडिया शुड फोकस ऑन सर्विस एक्सपोर्ट रादर देन मिमिकिंग द चाइनाज़ ग्रोथ स्टोरी और अगर ये होता है जिस तरह से सर्विस सेक्टर जो है मर्केंटाइज एक्सपोर्ट को ओवरकम कर रहा है उसको इक्वल आ गया है तो प्रॉब्बली जो मिस्टर रघुराम रदन की थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट होती हुई देख रही है कि इंडिया को अपने एक्सेल सेक्टर सर्विस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए और ये कहीं ना कहीं कही गवर्नमेंट की जो पी स्कीम है जहाँ पर गवर्नमेंट का ये एम है कि मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाया जाए इंडिया को उस पर कहीं ना कहीं अटैक भी है हालांकि ये थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और अपना अपना अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है बट येस ओवरऑल हमारा जो पर्पज है उस न्यूज़ को कवर करने का वो ये है कि जो सर्विस सेक्टर है वो फाइनली इंडिया के मर्केंटाइज एक्सपोर्ट जो तो सर्विस एक्सपोर्ट है वो इंडिया के मर्केंटाइज एक्सपोर्ट के बराबर आ चुका है एंड दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया अब देख लेते हैं नेक्स्ट वरीज पोसेस्ड ओवर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी करंट अकाउंट बैलेंस ये भी इंडिया के ट्रेड डेसा से ही रिलेटेड है तो उसको भी हम यहीं पर कवर कर लेते हैं विद इंडिया एक्सपेक्टेड टू अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़ इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर जो कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बट स्टिल यूनियन गवर्नमेंट के सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि फिजिकल डेफिसिट इन्फ्लेशन और जी डी पी जैसे जो इंडिकेटर हैं उनको टैकल करना जो डी के इश्यूज़ हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन्फ्लेशन और फिजकल डेफिसिट उसके लिए जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करना हावर द करंट अकाउंट बैलेंस इज स्टिल अ अकॉज ऑफ कंसर्न फॉर सम पॉलिसी मेकर जिस तरीके से इंडिया का करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो निगेटिव होता जा रहा है तो पॉलिसी मेकर के अकॉर्डिंग जो ये अनसर्टनिटी देखने को मिल रही है टीट कंपोनेंट में आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यू हो रहे हैं क्योंकि इस हमें वेस्टर्न इकोनॉमीज में और चाइना में दोनों के ही केस में देखने को मिलेगा जिसकी वजह से एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगा और एक्सपोर्ट डिक्लाइन तो डेफिनेटली जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा तो जो गवर्नमेंट के, के लिए इन्फ्लेशन और जी डी पी के अलावा करंट अकाउंट बैलेंस को सरप्लेस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर सेवन ऑन ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया इंडेक्स टैंक फोर्थ फ्रॉम बॉटम. तो इंडिया की जो रैंक है सर्विस ट्रेड में, बेसिकली इस न्यूज को कवर करने का हमारा एक ही पर्पस था कि हम इस पर्टिकुलर एस टी आर आई इंडेक्स के बारे में सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस कर देंगे तो बेसिकली जो इंडेक्स है एस टी आर की इसको ओ ई सी डी पब्लिश करता है और इस साल की जो इंडेक्स है उसमें इंडिया ने थोड़ा सा किया है इंडिया के जो लास्ट ईयर की पोजीशन थी वो 48 थी इस बार इंडिया की जो पोजीशन या जो रैंक आई है वो 47 आई तो वन नॉच का इंक्रीज हमें इंडिया को देखने इंडिया में देखने को मिल रहा है आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज आउट ऑफ 50 कंट्रीज तो पचास कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक है वो 47 है इन टर्म्स ऑफ सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स रीजन बिहाइंड रशिया जो कि सेंक्शन हिट है या सेंक्शन हिट कंट्री है वो इंडिया से एक नॉच बिलो आ गया जिसकी जिसकी वजह से इंडिया जो है वो रशिया की पोजिशन पर आ गया तो एक पर्सन का या एक एक नॉच का या एक रैंक का इंक्रीज देखने को मिल रहा है बेसिकली ओ सी डी एस टी आर आई इंडेक्स कवर था थर्टी एट ओ सी डी मेम्बर्स इसके अलावा ब्राज़ील चाइना इंडिया इंडोनेशिया कजाकिस्तान मलेशिया पेरू रशिया सिंगापुर साउथ अफ्रीका थाईलैंड एंड वियतनाम वियतनामर ऑल्सो रैंक इंटू दिस इंडेक्स और अगर इस इस बार की रैंक देखें तो इंडिया से नीचे केवल तीन कंट्रीज हैं रशिया इंडोनेशिया एंड थाईलैंड हालांकि जो इस बार की रैंक है उसमें इंडिया जो है वो ई के एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है बट स्टिल बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया से ऊपर हैं और ओ की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी भी इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से जो इंडिया की रैंक है वो इम्प्रूव नहीं हुई हालांकि मार्केट एक्सेस को लेकर अगर सर्विसेज ट्रेड के सेक्टर में बात करें तो मार्केट एक्सेस को लेकर के कुछ की सर्विस सेक्टर में अभी भी प्रोहिबिशन है फॉरनर्स के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए कई सारी स्ट्रिम्स एंड हैं ऑल कुछ रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किए हैं जैसे कि जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था एयर इंडिया का इसके अलावा जो प्राइसिंग पॉलिसी का एलिम प्राइसिंग जो गाइडलाइंस थी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को लेकर के बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट उसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ एलिमिनेशन किया है या कुछ हम बोल सकते हैं रिलैक्सेशन दिया है फॉरनर्स को इसकी वजह से भी इंडिया में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है इंडिया के सर्विस रिस्ट्रिक्शन को को लेकर के लेकिन अभी भी जो इंडिया के प्रोग्रेसिव नॉर्म्स हैं वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं हैं कि इंडिया जो है वो सर्विस ट्रेड के, के केस में उसको माने कि लिबरलाइज़ किया है उसने अपने आप को हालांकि ये अगर हम बात बात करें इस इंडेक्स की तो बेसिकली ये इंडेक्स ही बताती है कि किस कंट्री में सर्विस ट्रेड को लेकर के कितना रिस्ट्रिक्शन है जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वो उतना ही ज्यादा नीचे वो उसकी उतनी ही नीचे रैंक होगी तो इंडिया को वैसे भी बोला जाता है किंग और कई सारे रिस्ट्रिक्शन अगर आपको पता हो तो जो आर साइन होना था वो इसी वजह से उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी था कि इंडिया ने सर्विस के केस में बोल दिया था सर्विस एक्सट्रेट में कि हम सर्विस सेक्टर को इस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव डील में इंक्लूड नहीं करेंगे इसीलिए इंडिया ने उस पर्टिकुलर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बैकडाउन किया जाता है इसके अलावा मिल्क फिशरी और अदर रीजन भी थे पर सर्विस एक्सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि क्योंकि सर्विस सेक्टर में इंडिया एक्सेल था और इंडिया सर्विस सेक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता सर्विस सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था इंडिया का आरईसीपी में ना पार्ट करने का और इसी वजह से हमेशा इंडिया पर एलिगेशन भी लगता है कि इंडिया जो सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा ओपन नहीं है ट्रेड के केस में और इसीलिए इंडेक्स पब्लिश करी जाती है कि सर्विस ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा कंट्री किस पोजिशन पर है इंडिया फिलहाल के लिए फोर्टी सेवन पर है एक नॉच का इंप्रूवमेंट है कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स की वजह से वो इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रशिया डाउनग्रेडमेंट ग्रेडमेंट अब देख लेते हैं एक क्लिप जो कि इसी से एसोसिएटेड है सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड इंडेक्स जापान यूके नीदरलैंड और चीज़ रिपब्लिक और चिली जो है वो टॉप फाइव कंट्रीज हैं टॉप लोएस्ट कंट्रीज इंडोनेशिया थाईलैंड रशिया इंडिया एंड इसराइल इट मीन्स इन सारे कंट्रीज में जो जो, जो, जो लोएस्ट रैंक पर हैं इनका मतलब इनमें सर्विस सेक्टर में इनके में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं सर्विस के ट्रेड में ये कंट्रीज जो हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव हैं आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड नॉन बी एफ एस आई फॉर्म्स प्रॉफिट स्ट्रिंग टू सेकेंड क्वार्टर तो कॉरपोरेट रिजल्ट जो हैं अक्टूबर से डिसम्बर 2022 यानी क्वार्टर थ्री ऑफ़ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के जो पब्लिश हुए हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि दर इज़ अ शार्प स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पेशली इन केस ऑफ बी एफ एस आई फर्म्स बी एफ एस आई फर्म्स नॉन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग द मैनुफैक्चरिंग तो जो नॉन बी एफ आई से बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके उनके अलावा जो जो अदर कंपनीज हैं नॉन बी एफ मतलब मैनुफैक्चरिंग और जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनमें हमें डिक्लाइन देखने उनके प्रॉफिट्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिसेशन का इंपैक्ट रिफ्लेक्ट करता है एज पर द रिसेंट डेट आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्प आरई फॉर्म्स मिसिंग डेडलाइंस टू बी ब्लैकलिस्टेड फॉर फाइनेंशिय फॉर थ्री टू फाइव ईयर्स तो रीनुबल एनर्जी कंपनीज आर ई स्टैंड फॉर रिनल एनर्जी फॉर्म्स और रीन्यूबल एनर्जी कंपनीज जो कि कमीशनिंग डेट टारगेट को मिस करेंगी फॉर प्रोजेक्ट अवार्डेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज ने जो आर फॉर्म्स को जो प्रोजेक्ट दिए हैं अगर उसकी कमिशनिंग टाइम पर नहीं होती है वो प्रोजेक्ट टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं होता है इन दैट केस गवर्नमेंट जो है उन आर कंपनीज़ को आर फॉर्म्स को फ्यूचर गवर्नमेंट टेंडर से रिस्ट्रिक्ट कर देगी गवर्नमेंट ने क्लियर रेस्ट्रिक्शन दे दिए इंस्ट्रक्शन दे दी दे दे कि अगर आप हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते टाइम पर कमिशनिंग मीन्स अगर आप सिंपली समझ लें तो अगर आप हमारे प्रोजेक्ट जो हमने आपको प्रोजेक्ट दिए थे ट फॉर्म्स को एग्जीक्यूट uh, करने के लिए अगर आप उसको टाइमली एग्जीक्यूट नहीं करते टाइमली उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूशन में नहीं लाते तो आपकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा एटलीस्ट तीन से पाँच साल के लिए तीन से पाँच साल के लिए वो कंपनी जो है वो, वो किसी भी गवर्नमेंट टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूबल एनर्जी ने बैंक गारंटी को लेकर के भी बोला कि बैन गारंटी विल बी इन कैश एंड द प्रोजेक्ट डेवलपर्स ब्लैकलिस्टेड इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड अप टू द ड्यू डे तो क्लियर इंस्ट्रक्शनस हैं आ रही फॉर्म्स को कि आप कोई भी डीले करेंगे यू विल बी ब्लैक लिस्टेड आप देख लेते हैं नेक्स्टली इंडिया टू ग्रो एट सिक्स पॉइंट टू इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर मॉर्गन स्टैल ले तो इंडिया के ग्रोथ ले को लेकर के या जी डी पी को लेकर के जो प्रोजेक्शन किया है मॉर्गन स्टैल ने अप्रॉक्सिमेटली सिक्स पॉइंट टू परसेंट का प्रोजेक्शन किया और अगर हम देखें तो कहीं कही ना कहीं आर बी आई और गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्शन हैं उसके अकॉर्डिंग ही है और इसका रीजन रीज़न यही है जो थोड़ा सा जो कम अगर बोलें जो पैंसि मिस्टिक प्रोजेक्शन किया उसका रीजन नहीं है कि जिस तरीके से स्लो डाउन देखने को मिल रहा है वेस्टर्न इकोनॉमी में तो उसका माना उसके इंपैक्ट की वजह से इंडिया जो है वो उससे ज्यादा की ग्रोथ अचीव प्रबली नहीं कर पाएगी अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटर एम्स टू मॉपअप रूपीज सेवेंटी के करोड़ फ्रॉम द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तो मैक्सिमम इन्वेस्टेबल अमाउंट फॉर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसको हम एस शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं इनहैंस फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख तो so, ये लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी पंद्रह लाख से बढ़ा करके 30 लाख कर दी है फाइनेंशियल ईयर 24 के बजट में और ऐसा कहा कर दवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली पचहत्तर हजार करोड़ का जो फंड है वो जनरेट करेगी और दिस विल हेल्प द गवर्नमेंट टू अवॉइड द ओवर ऑफ द प्रोजेक्ट नेट मार्केट बॉरिंग तो गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा जो मनी जनरेट होगा इससे सेविंग स्कीम्स के ए, थ्रू इससे गवर्नमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट ने अपना बोरोइंग का टारगेट रखा था एलेवन पॉइंट एट परसेंट का फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर उसको थोड़ा सा ओवरशूट करना हो गवर्नमेंट को हेल्प लेंगे क्योंकि ये टारगेट जो है वो अचीव हो जाए इससे कम बोरोइंग गवर्नमेंट को करनी पड़े क्योंकि गवर्नमेंट को अगर यहाँ से पैसा मिल रहा था डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग का जो अमाउंट रखा है वो कम बोरोइंग करनी पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट को फाइनेंस ऑलरेडी अवेलेबल होंगे थ्रू दिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स सो दिस इज अ बोरोइंग प्लान ग्रॉस बोरोइंग नेट बोरोइंग आप देख सकते हैं फाइनेशली ट्वेंटी वन से लेकर ट्वेंटी फोर तक का डेटा है हर बार जो गवर्नमेंट ने ग्रॉस बोरोइंग करी और नेट बोरोइंग करी उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन है जो ग्रॉस बोरिंग नेट बोरिंग ग्रॉस बोरिंग नेट बोरइंग जो प्लान था वो उस, जो टारगेट था उससे भी थोड़ा थोड़ा सा पब्लिक कम बोरोइंग करी तो इस बार भी गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के थ्रू फंड मोबालाइज करना चाहती है जिसकी वजह तो ,00 से पंद्रह लाख से लिमिट को इंक्रीज करके तीस लाख ,00 कर दिया है और इससे जो पैसा आएगा गवर्नमेंट उससे डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खर्च करेगी सो दैट करेगा for today's student if you want lecture pdf you can join me on telegram channel you can also follow me on other social media platforms please like share and subscribe thank you have a nice day